तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश इलेक्टिव के जो है टॉप 300 VVI MCQs, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, जो आपका चैप्टर है आई शेल माई ड्रीम्स, किसके द्वारा है? गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आई शेल माई ड्रीम्स इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड द वॉलंटियर्स टेक टू क्लीन द डेब्रिस, ठीक है, कि कितना टाइम लगाते थे कूड़े कचरे को साफ करने के लिए? तो सही आंसर है 6 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड ऑथर रिकग्नाइज द लेडी हुम वॉज एक्सट्रिकेटेड फ्रॉम द कार, ठीक है, कि ऑथर ने जो है उस लेडू की कैसी पहचाना जिसे कार से बाहर कर दिया गया था? सही आंसर है आपका बोथ 1 और 2, ठीक है, बाय सर्पेंट रिंग बाय एमराल्ड आइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई सेल माई ड्रीम्स में आई किसको रेफर कर रहा है? तो सही आंसर है फ्रोफ्रेडा को, ठीक है, फ्रोफ्रेडा को। नेक्स्ट देखिए, टू हुम डिड द ऑथर कंपेयर टू रेनेजेंस पॉप, ठीक है, रेनेजेंस पॉप से जो है ऑथर किनको तुलना करते हैं? सही आंसर है पाब्लो नेरुडा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द ऑथर फर्स्ट मीट फ्रोफ्रेडा, ठीक है, कि ऑथर जो है फ्रोफ्रेडा से पहली बार कहाँ मिले हुए थे? सही आंसर है वियना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिड द ऑथर बिलीव इन द प्रोफेटिक एबिलिटी ऑफ फ्रोफ्रेडा, कि क्या जो है ऑथर फ्रोफ्रेडा का जो है प्रोफेटिक एबिलिटी पर विश्वास करते थे? सही आंसर है हाँ, यस, ठीक है। व्हाट डिड फ्रोफ्रेडा टेल हर नॉट टू ईट, फ्रोफ्रेडा क्या कहते थे उनको क्या नहीं खाने के लिए? सही आंसर है स्वीट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रोफ्रेडा टेल द ऑथर, कि फ्रोफ्रेडा जो है ऑथर से क्या बोलती थी, ठीक है, सही आंसर है टू लीव वियना, ठीक है, वियना को छोड़ने के लिए बोलती थी, रहने के लिए नहीं बोलती थी, छोड़ने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज पाब्लो नेरुडाज वाइफ, कि पाब्लो नेरुडा की वाइफ का नाम क्या है? तो सही आंसर है मैटिल्डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु मूव दो द क्राउड लाइक एन इनवैलिड एलिफेंट, ठीक है, कि इनवैलिड एलिफेंट के जैसा कौन मूव करते थे? सही आंसर है पाब्लो नेरुडा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कस्टम इन हर फैमिली बिफोर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट के पहले फैमिली में क्या चीज़ का रीति रिवाज है? सही आंसर है टेलिंग ड्रीम्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर नेरुडा टू योर रेनेजेंस पोप, कि किससे तुलना करते थे? सही आंसर बिकॉज ही वॉज ग्लटन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज़ फ्रोफ्रेडास प्रोफेशन, कि फ्रोफ्रेडा का प्रोफेशन पैसा क्या है? तो सही आंसर है सेलिंग हर ड्रीम्स। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। इन विच कंट्री डज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन, कि कौन से देश में ये जो पोएम है आई सेल माई ड्रीम्स वो स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टोरी? सही आंसर है बार्सिलोना। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ड्रीमर हियर, तो यहाँ पे ड्रीमर कौन है? सही आंसर है द राइटर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सिटी ऑफ वर्ल्ड कैल्डस, कि ये सिटी कहाँ पे है? सही आंसर है इन कोलंबिया इन साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, होम डिड ऑथर मीट इन बार्सिलोना, कि ऑथर जो है बार्सिलोना में किससे मिलते हैं? सही आंसर है फ्रोफ्रेडा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ फ्रोफ्रेडा? सही आंसर है अर्न बाय सेलिंग हर ड्रीम टू रिच बाय बट सुपरस्टिशियस पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज फ्रोफ्रेडा, फ्रोफ्रेडा कौन है? तो सही आंसर है 36 ईयर ओल्ड लेडी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज द स्टोरी आई शेल माई ड्रीम्स बिगिन, कि ये जो स्टोरी है कहाँ पे शुरू होती है? सही आंसर है एट हमाना रिवेरिया होटल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रिमाइंडेड द नरेटर दैट ही हैड सीन द डेड लेडी बिफोर, ठीक है, तो जब उन्होंने डेड लेडी को देखा हुआ था क्या चीज़ उसको आ जाता है? सही आंसर है द स्नेक शेप्ड रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट एक्सीडेंट इज मैंसनड एज द स्टोरी आई शेल माई ड्रीम्स बिगिन, कि कौन सा एक्सीडेंट जो है घटना यहाँ पे मैंसन किया जाता है जैसे ही यह स्टोरी शुरू होती है आई शेल माई ड्रीम्स, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अ कार क्रैश्ड इनटू द होटल वॉल ड्यू टू अ ह्यूज वेव, ठीक है। नेक्स्ट, इन द पास्ट वाई वॉज द नरेटर इन ऑफ फ्रोफ्रेडा, कि
पास्ट में जो है नरेटर जो है फ्रा फ्रियोडा से क्यों डरते हैं? सही आंसर है सी स्पोक या बीट ऑफ स्पेनिश। नेक्स्ट, वेयर वॉज फ्रा फ्रियोडा बोर्न, कि फ्रा फ्रियोडा का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर वन कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्नैक रिंग ऑन द फिंगर ऑफ फ्रा फ्रियोडा हैड डैश आइस, सही आंसर होगा एमराल्ड आइस। ठीक है, नेक्स्ट, द नरेटर इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रिप्स बोर्डेड द लास्ट डैश ट्रेन होगा, ठीक है, टू रोम, ये क्वेश्चन हम करवा चुके पहले भी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुडा ओनली पोएट्री इज प्रोफेटिक, कि क्या है पाब्लो नेरुडा के अकॉर्डिंग पोएट्री जो है प्रोफेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रा फ्रियोडा लिव्ड इन ए कैसल लाइक हाउस इन ए पुर्तगाल, ठीक है, कहाँ पे रहती थी वो फ्रा फ्रियोडा? तो पुर्तगाल में, ठीक है, जानवर के जैसा। नेक्स्ट देख लीजिए, इन द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स हु सोल ड्रीम्स, कि ये जो कहानी है आई सेल माई ड्रीम्स, तो ड्रीम्स को कौन बेचते हैं? सही आंसर है फ्रा फ्रियोडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है आपका सेकंड चैप्टर है एवलाइंस, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स जॉयस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हु इज़ द राइटर, हु इज़ द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एवलाइन, ठीक है, इसका राइटर कौन है? सही आंसर है, आप लोगों को पता है, जेम्स जॉयस। नेक्स्ट, एवलाइन वॉज इन लव विद, एवलाइन जो है किससे प्यार करती थी? सही आंसर है फ्रैंक से। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिड एवलाइन फादर डिड नॉट लाइक फ्रैंक, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर सही थ्री जो है सही है, बोथ वन एंड टू। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ एवलाइंस लवर, कि एवलाइंस के लवर यानी फ्रैंक का जो है प्रोफेशन क्या था? तो वह एक सेलर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वाई इज एवलाइन थिंकिंग टू एस्केप विथ फ्रैंक, कि एवलाइन जो है वो फ्रैंक के साथ भागने के लिए क्यों सोचती है? तो इसका सभी कारण है, हर फादर नेवर केयर्स अबाउट हर मदर, इज नो मो, सी इज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, इसीलिए। ठीक है, हु वॉज एवलाइंस फियांसे, कि एवलाइंस के फियांसे का नाम क्या है? ठीक है, फियांसे मतलब हो गया मंगेतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रैंक। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर एवलाइन एंड फ्रैंक प्लानिंग टू मूव, कि एवलाइन और फ्रैंक जो है कहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे थे? सही आंसर है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज फ्रैंक डू फॉर लिविंग, ठीक है, कि फ्रैंक जो है रहने के लिए क्या चीज़ करते थे? ठीक है, क्या करता है? सही आंसर है वो सेलिंग का काम करता है, नाव चलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज एवलाइन डू विद हर पे चेक्स, ठीक है, तो एवलाइन जो अपने पे चेक्स के साथ क्या करती है? सही आंसर है गिव्स ये टू हर फादर। नेक्स्ट, हु वॉज फ्रैंक, फ्रैंक कौन है? तो एक सेलर है। नेक्स्ट, वॉट डज फ्रैंक रिप्रेजेंट एवलाइन, ठीक है, सही आंसर इसके भागने के लिए बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर डज एवलाइन वर्क, कि एवलाइन जो है कहाँ काम करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू इन ए स्टोर। नेक्स्ट, वेयर इज एवलाइन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि एवलाइन जो है स्टोरी के अंत में कहाँ जाती है? ठीक है, सही आंसर एट द क्वे। नेक्स्ट, वेयर डज फ्रैंक हैव ए होम, कि फ्रैंक का जो है घर कहाँ है? सही आंसर है ब्यूनस आयर्स में। नेक्स्ट, टू हुम हैज़ एवलाइन रिटर्न लेटर, कि एवलाइन जो है किसको पत्र लिखती है? सही आंसर हर फादर एंड हैरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज हैरी डू फॉर लिविंग, कि हैरी जो है अपने जीवन रहने के लिए क्या चीज़ करता है? सही आंसर है ही इज इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस, चर्च में वो बिजनेस वगैरह को डेकोरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज एवलाइन प्लानिंग टू गो, कि एवलाइन जो है जाने के लिए कहाँ सोच रही थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, द एलोप विथ फ्रैंक एंड मैरी हिम, फ्रैंक के साथ भागना चाह रही थी और उससे शादी करना चाह रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉट इज एवलाइन होल्डिंग इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कि कहानी की शुरुआत में जो है एवलाइन के हाथों में क्या चीज़ है? ठीक है, और वॉट इज एवलाइन होल्डिंग इन हर लैप एज सी लुक आउट द विंडो एट द स्टार्ट ऑफ द एवलाइन, ठीक है, सही आंसर है लेटेस्ट टू हर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एवलाइन इंटेंड टू लीव डब्लिन टू एलोप विद हर लवर, ठीक है, तो वह किससे भागना चाह रही थी डब्लिन? ठीक है, सही आंसर है बाय बोट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एवलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू, कि इस कहानी के अनुसार जो है कौन सा कहानी जो है फ्रैंक के बारे में सही नहीं है? ही वॉन्ट्स टू मैरी एवलाइन, सही है ये। ठीक है, ही टेल्स स्टोरीज ऑफ हिज टेल्स, ये भी सही है। ही लाइक्स म्यूजिक, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट देख लीजिए, विद हुम वॉज एवलाइन प्लानिंग टू एलोप, सही आंसर है फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवलाइन हर्ड द म्यूजिक ऑफ योर माउथ ऑर्गेन, ठीक है, किसका आवाज़ सुनी हुई थी वो? माउथ ऑर्गेन का, किसका म्यूजिक? तो माउथ ऑर्गेन का। ठीक है, नेक्स्ट, विच करेक्टर्स इन द लेसन एवलाइन आर मेंशन्ड बट आर डेड, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हु वॉज एवलाइन्स एम्प्लॉयर, कि एवलाइन के एम्प्लॉयर का नाम कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन मिस गवान। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब आपका टू होम डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड विद विदाउट चार्ज, कि किसी जो है डॉक्टर मार्गोलिन जो है बिना चार्ज के इलाज करते हैं। ठीक है, सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट,
वॉट वॉज द नेम ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन बिलवड वैन ही वॉज इन हिज टीनेज, कि अच्छा डॉक्टर मार्गोलिन के प्रेमिका का नाम क्या है जब वह टीनेज में था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेजल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज द नेम ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन वाइफ, सही आंसर है ग्रेटल। ठीक है, नेक्स्ट सेंसिमिन वॉस या, कि सेंसिमिन क्या चीज़ है, तो सही आंसर है टाउन इन पोलैंड, पोलैंड का एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट मार्गोलिन ऑफन रेफर टू हिम सेल्फ एज, कि मार्गोलिन जो है खुद को इसके सामने किस तरह से प्रस्तुत करती थी, सही आंसर है एन एग्नोस्टिक एंड एथिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटल वॉज मैनियक फॉर, कि ग्रेटल जो है किसके लिए आधा पागल थी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्लिनलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वर सेंसी माइनस, कि सेंसी माइनस कौन है, सही आंसर है पीपल ऑफ सेंसी मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसी माइनस। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज हडासा, कि हडासा कौन है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, कि बुद्धिस्ट के जो संस्था उसी को हडासा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वॉट वॉज द रेजल्स फादर प्रोफेशन, कि रेजल प्रोफेसर रेजल के जो फादर थे उसका क्या काम था, सही आंसर है वॉच मेकर, वो एक वॉच मेकर थे। ठीक है, वॉट इज मैनिया, मैनिया का मतलब क्या चीज़ है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति लगाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड ग्रेटल हैव, कि ग्रेटल के कितने भाई बहन थे, सही आंसर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, दो भाई और एक बहन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आर आई पी का जो फुल फॉर्म है वो क्या चीज़ है, रेस्ट इन पीस। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया, ये जो टर्म है हाइपोकॉन्ड्रिया इसका मतलब क्या चीज़ होता है, तो इसका मतलब जो होता है ऑप्शन नंबर 2 सही है, हाइपोकॉन्ड्रिया इज अ डिजीज ऑफ माइंड एंड नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट होम डिड मार्गोलिन लव्ड वैन ही वॉज यंग, कि मार्गोलिन जो है किससे प्यार करता था जब वह जवान था, सही आंसर है रेजल। ठीक है, नेक्स्ट होम डिड मार्गोलिन प्रपोज फॉर मैरिज, कि मार्गोलिन जो है कि अपनी ब्याह के लिए किसको प्रपोज किए हुए थे, सही आंसर रेजल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले। ठीक है, ये जो है अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले, ठीक है, इसका प्रोटैगोनिस्ट कौन है, सही आंसर है डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सोलोमन्स फैमिली वॉज किल्ड इन, कि डॉक्टर सोलोमन्स का फैमिली जो है कहाँ मारे जाते हैं, सही आंसर है हॉलोकॉस्ट एनफोर्स्ड बाय हिटलर, कि हिटलर के द्वारा जो हॉलोकॉस्ट चलता है उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वॉज रेजल्स फादर प्रोफेशन, कि रेजल के पिता का प्रोफेशन क्या चीज़ है, तो सही आंसर है वॉच मेकर ना। नेक्स्ट वाई वॉज डॉक्टर सोलोमन नॉट हैप्पी विद हिज ऑन कम्युनिटी मेंबर्स, कि डॉक्टर सोलोमन जो है अपने लोगों से क्यों खुश नहीं है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज द ज्यूज हैड फॉरगॉटन देयर ऑन कल्चर, क्योंकि ज्यूज जो है वो अपना संस्कृति रीति रिवाज भूल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लव्स डे इन शॉर्ट, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 8 डिकेज। नेक्स्ट व्हेन वाज सिल्वायास वेडिंग गोइंग टू टेक प्लेस, कि कहाँ जो है सिल्वाया का वेडिंग या कब होना था। ठीक है, सही आंसर है संडे को होना था, सिल्वाया का वेडिंग कब होना था, संडे को। ठीक है, नेक्स्ट टू होम डॉक्टर सोलोमन प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड हॉस्पिटल्स बेस इन केस ऑफ नेसेसिटी, डॉक्टर सोलोमन जो है जब ज़रूरत होती है तो किसको जो है फ्री दवाई और बेड्स हॉस्पिटल बेस जो उपलब्ध कराते थे। ठीक है, कराते थे, सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, रेफ्यूजीज रेबीज और जीविस राइटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड डॉक्टर मार्गोलिन मीट रेजल आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि डॉक्टर मार्गोलिन जो है वो रेजल से कहाँ मिले हुए थे बहुत लंबे समय के बाद, सही आंसर एट ए वेडिंग। नेक्स्ट एजविस वेडिंग वॉज अबाउट टू टेक प्लेस, कि ये जो एजविस वेडिंग है वो कहाँ होना था, सही आंसर है ब्रॉन्सविले में। ठीक है, नेक्स्ट वॉट हैपेंड वेन डॉक्टर सोलोमन वॉज ऑन हिज वे टू द वेडिंग, कि क्या हुआ जब डॉक्टर सोलोमन जो है अपने रास्ते में थे जब वो शादी में जा रहे थे। ठीक है, इसका सही आंसर है बोथ 1 और 2, एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, और एक आदमी को जो स्टेशन पे ले जाया जा रहा था। अगला जो चैप्टर है वो आपका है टुमारो से। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जोसेफ कॉनराड के द्वारा। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, जोसिया कार्विल वॉज डिपेंडेंट ऑन बेसी। ठीक है, कि जोसिया कार्विल जो थे वो बेसी पे डिपेंडेंट थे, क्यों थे, क्योंकि वह अंधा था। ठीक है, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। नेक्स्ट कैप्टन हकबर्ट वॉन्टेड हिज सन टू एम्प्लॉय विद, कैप्टन हकबर्ट जो थे कि वो क्या चाहते थे कि उसका सन किसके साथ काम करे, कंपनी ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, कि वकीलों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हु वॉज द स्ट्रेंजर हु मेट कैप्टन हकबर्ट, कि किस स्ट्रेंजर से जो है ये कैप्टन हकबर्ट मिलते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैरी हैकबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए,
व्हाट वॉज द एज ऑफ कैप्टन हार्बर्ट सन वेन ही वेंट मिसिंग, कि कैप्टन हार्बर्ट के बेटे का उम्र कितना था जब वह लापता हो जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 14 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कैप्टन हार्बर्ट वेंट फ्रॉम कॉलकैचर्स टू कॉलेज ब्रुक। ठीक है, तो वह जो है कॉलकैचर्स से कॉलेज ब्रुक जाते हैं, तो कैसे, इन सर्च ऑफ हिज सन, अपने बच्चे की तलाश में। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका जो है अगला बुक है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, बाय सू मीन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का राइटर कौन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बाय सू मीन। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द स्टोरी 1 सेंटीमीटर हु आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको यहाँ पे कौन बेस्ट इमिटेटर्स है, सही आंसर है चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चों को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बताया गया है। नेक्स्ट, हु इंसल्टेड टाओ इंग एट द टेम्पल एंट्रेंस, ये टाओ इंग क्यों है टेम्पल एंट्रेंस में जब होता है गेट पे, कौन उसको इंसल्ट करता है, अपमानित करता है। सही आंसर है गार्ड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ टाओ यंग सेन, के टाओ यंग के बेटे का नाम क्या है। सही आंसर है जाओ ये। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज टाओ यंग्स प्रोफेशन, के टाओ यंग कौन सा काम करते थे। सही आंसर है बेकर। ठीक है, पाव रोटी बेचने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, हु सेड दिस लाइन्स इन द स्टोरी 1 सेंटीमीटर, माइन आर फ्लैटिंग स्केल्स, की इस लाइन को किसने बोला हुआ है, माइन आर फ्लैटिंग स्केल्स। ठीक है, सही आंसर है ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट, टाओ यंग वर्क्स एज अ, ठीक है, कि टाओ यंग जो है किस तरह से काम करते थे, तो एक कुक भी वो थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाओ यंग टूक हर सन टू विजिट योर टेम्पल, इट वॉज द टेम्पल वॉक, कि टाओ यंग जो है अपने बेटे को एक मंदिर ले जाते थे, और ये किस प्रकार का मंदिर था। सही आंसर है बुद्धिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाओ यंग डिड नॉट बाय अ टिकट इन द बस, देन वॉट सी डू टू द मनी। ठीक है, कि टाओ यंग जो है वो बस का टिकट नहीं खरीदते थे, लेकिन वो क्या करते थे। ठीक है, सही आंसर है सी यूज टू स्पेंड द अमाउंट ऑन संडे सुंडरी एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट वॉज द एक्चुअल हाइट ऑफ हर सन जाओ ये, कि उसके बेटे जो जाओ ये है, तो उसका जो है एक्चुअल हाइट कितना है। सही आंसर ओवर 110 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू द शैडोज रिप्रेजेंट इन द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो। ठीक है, यहाँ पे जो है शैडो इस पोएम में, अ लेक्चर अपॉन द शैडो का क्या मतलब है, ये अंग लव के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर्स हैव दे स्पेंड टुगेदर, यानी लवर्स जो है कितने साल तक स्पेंड किए हुए थे। सही आंसर है 3 आवर्स तक। ठीक है, कितने समय तक, 3 आवर्स तक। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट व्हाट डू द शैडो बिफोर नून रिप्रेजेंट, कि पॉइंट के अनुसार जो है दोपहर के से पहले जो छाया होती है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। सही आंसर द लवर एंड बिलविड कमिंग टुगेदर, कि जो प्रेमिका और प्रेम जो है, ठीक है, वो साथ आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉन डोने इज़ अ डैश पॉइंट, जॉन डोने जो है किस प्रकार का पॉइंट है, मेटाफिजिकल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट इन द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो। ठीक है, सही आंसर होगा इसका लव। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द लव इज़ इफेक्टेड बाई विच थिंग्स। ठीक है, कि पॉइंट के अनुसार जो है ये जो लव है, प्यार जो है, वो किस चीज़ से इफेक्ट हो जाती है। सही आंसर बाय अवर इमोशन, अपनी भावनाओं से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो, कि ये जो पोएम है लेक्चर अपॉन द थीम वो शैडो। ठीक है, इसका क्या थीम है, तो सही आंसर है लव। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, द थीम ऑफ द पोएम इज लव, व्हाट काइंड ऑफ लव, कि इस पोएम का जो थीम है वो लव है, तो किस प्रकार का लव है, वर्ल्डली लव। ठीक है, जो सांसारिक प्यार है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट लव इज डिस्क्राइब्ड बाय बिफोर नून, कि दोपहर के पहले जो है किस प्यार के बारे में बताया जाता है। सही आंसर है एडोलेसेंट लव। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट लव इज डिस्क्राइब्ड बाय नून, ठीक है, दोपहर के द्वारा कौन सा लव डिस्क्राइब किया जाता है। सही आंसर है मैच्योर्ड लव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा, व्हाट लव इज डिस्क्राइब्ड बाय आफ्टरनून, अब आफ्टरनून के बाद जो है कौन सा लव डिस्क्राइब किया जाता है, डिकेइंग लव। ठीक है, नून से पहले हो गया मैच्योर्ड एडोलेसेंट, और आफ्टरनून के बाद डिकेइंग लव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो द लाइट रिप्रेजेंट्स, किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पॉइंट वांट टू कन्वे द शैडो, कन्वे बाय शैडो, कि पॉइंट जो है शैडो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। सही आंसर लवर्स को कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट वांट्स टू टेल अस समथिंग, पॉइंट जो हमें कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ लव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट इज जॉन डोने, कि जॉन डोने जो किस प्रकार के पॉइंट है। सही आंसर है मिस्टिक पॉइंट है। नेक्स्ट,
द कंक्लूजन ऑफ द पोइट अबाउट द पोएम इज, ठीक है, कि ये जो कंक्लूजन है पोइट का, ठीक है, वो क्या चीज़ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, लव इज इटर्नल, इंटरनल, ठीक है। नेक्स्ट, अ लेक्चर अपॉन शैडो हैज डैश लाइन्स, कि ये जो पोएम है अ लेक्चर अपॉन शैडो, इसमें कितने लाइन्स हैं टोटल? 26 लाइन हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सो विल्स्ट अवर इन्फेंट लव्स डिज ग्रो, वॉट डज इन्फेंट लव्स, इन्फेंट लव का मतलब क्या होता है? लव एट इट्स इनिशियल स्टेज, जब प्यार जो है शुरू में होता है, शुरुआत में होता है, तब इसको क्या बोला जाता है? इन्फेंट लव, ठीक है, बच्चों वाला प्यार। नेक्स्ट देखिए, हु इज आई रेफर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम अ लेक्चर अपन द शैडो, कि ये जो पोएम है लेक्चर अपन द शैडो, इसमें आई का मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? पोइट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, वट इज द थीम ऑफ द पोएम, कि ये जो पोएम है इसका क्या चीज़ थीम है? सही आंसर है लव के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद टेम्पोरल, कि इनमें से जो सांसारिक से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? सही आंसर है पीस, ठीक है। नेक्स्ट, वैन डू शैडोज डिसअपियर, कि शैडोज कब डिसअपियर हो जाते हैं? जब सन ओवरहेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेफरिंग टू द पोएम अ लेक्चर अपन द शैडो, व्हाट डज इन्फेंट लव इम्प्लाई, कि इन्फेंट लव क्या होता है? तो लव एट प्राइमरी स्टेज जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट लव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर थिंग्स एसोसिएटेड विद द इंटरनल, सही आंसर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। पोएम्स बाय जॉन मिल्टन हम लोग देखने वाले हैं, और पहला जो पोएम है ऑन टाइम, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑन टाइम, तो जॉन मिल्टन के द्वारा, ठीक है। व्हाट डज द पोएट वांट इन द पैन ऑन टाइम, ठीक है, कि क्या कहना चाहते हैं? सही आंसर है टाइम टू फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच डज द पोइट हैज यूज इन द पोएम, इनमें जो है कौन सा यूज किए हुए फिगर, ठीक है, सही आंसर है पर्सनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट वट काइंड ऑफ सुप्रीम पावर, कि यहाँ पे जो है पोइट जो जॉन मिल्टन है वो किस सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं? सही आंसर है ट्रूथ एंड लव की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पोइट फील ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज आर इन वैन, बिकॉज कि पॉइंट बताते हैं, महसूस करते हैं कि जितना भी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ है वो सारे बर्बाद हैं, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फिश पीपल, क्योंकि मूर्ख स्वार्थी लोगों के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, इन द पोएम ऑन टाइम द टाइम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज या क्या, कि यहाँ पे जो पोएम है ऑन टाइम, टाइम को किस बारे में डिस्क्राइब किया गया? सही आंसर है रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वॉट कैन बी इजली कॉन्कर्ड, कि कवि के अनुसार जो है किसे आसानी से जीता जा सकता है? सही आंसर है टाइम को, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द टाइम इज प्रेशस फॉर वॉट, कि पॉइंट के अनुसार जो है टाइम किसके लिए कीमती है, ठीक है। सही आंसर एज ए गाइडेंस ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड हिज टाइम बाय विच रीजन, कि आदमी ने जो है अपना टाइम किस कारण से बर्बाद कर दिया? सही आंसर बाय नॉट वैल्यूड, क्योंकि वे लोग टाइम को वैल्यू ही नहीं देते हैं, ठीक है। अब आगे जो है पोएम्स बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन ऑन टाइम, ठीक है। तो ये फिर से यही है, एक मिनट, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो पोएम है, ये पोएम है हु रॉट द पोएम, कुबला खान, की ये जो पोएम है कुबला खान को किसने लिखा है? तो आप लोग पता है सैमुअल टॉयलर कॉलरेज, ठीक है, एसटी कॉलरेज के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज कुबला खान कैपिटल सिचुएटेड, क्यों कुबला खान का जो कैपिटल कहाँ सिचुएटेड है? जानाडू में, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड कुबला खान बिल्ड द डोम, के कुबला खान जो डोम को कहाँ बनाए थे? जनाडू, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ठीक है, व्हाट वाज द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का जो आउटस्टैंडिंग फीचर क्या चीज़ है? सही आंसर है अ ग्रेट सेडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड कॉलरिज गेट द विजन्स ही फाउंडेड हिज पोएम ऑन, ठीक है, कि किसके बारे में जो है पाते हैं, किसके बारे में बताते हैं? सही आंसर ओपीएम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिवर इज मैंशन इन द पोएम कुबला खान, कि कुबला खान में जो है किस रिवर के बारे में बताया जाता है? तो आल्फ रिवर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, वट काइंड ऑफ पोएट्री वॉज कुबला खान, कि कुबला खान जो है किस प्रकार की पोएट्री है? सही आंसर है ड्रीम रेवरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्प्रिंग फ्लोज थ्रू हाउ मेनी माइल्स, ये जो स्प्रिंग है वो कितने माइल्स तक बहते हैं? सही आंसर है 5 माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, कुबला खान वॉज या डैश, कुबला खान क्या है? तो एक टाटा किंग है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द पैलेस प्लान टू बी बिल्ट, कि किस नदी के किनारे पर जो है महल बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है? सही आंसर है आल्फ रिवर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, विद विच ट्रीज वॉज द वुडन एरिया फील्ड, कि वो जो है वुडन एरिया था वो किस पेड़ों से भरा पड़ा हुआ था? सही आंसर सैडा के वृक्ष से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हुम वॉज द वुमेन लॉन्गिंग फॉर, कि वो जो वुमेन थी वो किसके लिए तरस रही थी? लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है? तरसना। सही आंसर डेमोन लवर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए,
विच इंस्ट्रूमेंट डिड द एबेसियन मेड प्ले, ठीक है सही आंसर है डल्सिमायर। ठीक है नेक्स्ट देखिए, कुबला खां इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी ड्रीम्स, कि कुबला खां जो है कितने ड्रीम्स सपनों का कॉम्बिनेशन है, सही आंसर है टू ड्रीम्स। ठीक है नेक्स्ट, फॉर व्हाट डिड सी सिंग, कि वह किसके लिए गाए, ठीक है सही आंसर है माउंट अबोरा के लिए। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द मंगोल डायनेस्टी इन चाइना इन द 13th century, कि मंगोल डायनेस्टी जो है चाइना में 13वीं शताब्दी में किसने पाया हुआ था, स्थापना किया हुआ था, सही आंसर है कुबला खां। नेक्स्ट, द पोएम कुबला खां इज ऑल्सो नोन बाय अनदर टाइटल, ठीक है कि ये जो पोएम कुबला खां है इसको एक दूसरा टाइटल है, इसका सही नाम क्या है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, अ विजन इन अ ड्रीम फ्रेशमेंट। ठीक है नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज द डैमजिल द स्पीकर इज रेफरिंग टू, ठीक है कि यहाँ पे जो है ये डैमजिल, डैमजिल का मतलब क्या होता है, कुंवारी युवती जो होती है उसको डैमजिल बोलते हैं, किसके बारे में बता रहे हैं पॉइंट यहाँ पे, सही आंसर है एन एबिसिनियन मैड के बारे में। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट सॉन्ग वॉज द डैमजिल हर्ड सिंगिंग, कि डैमजिल जो है कौन सी युवा जो युवती थी कौन सा गाना गाते हुए सुनती है, सही आंसर है माउंट एबोरा। नेक्स्ट, इन द पोएम कुबला खां विच रिवर रैन थ्रू द कैपिटल, की कौन सा नदी जो है कैपिटल से होकर गुजरती थी, द आल्फ। ठीक है नेक्स्ट, द एबिसिनियन मैड वॉज प्लेइंग यर, ठीक है कि ये जो एबिसिनियन मैड थी वो क्या बजा रही थी, डल्सी मैड। ठीक है नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से जो है आपका ट्रीज से है, ठीक है बाय एमिली डिक्सन के द्वारा। ठीक है तो इसमें जो क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ट्रीज, तो सही आंसर है एमिली डिक्सन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डज द पोइटेस कैन हियर ऑन ए समर डे, कि किस प्रकार का जो है वो साउंड सुन सकती है ना, पोइटेस सुनती है समर डेज में, सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, साउंड ऑफ मिनिएचर क्रिएचर्स लिप्स व्हेन द हिटिंग ईच अदर, साउंड ऑफ द बर्ड्स। ठीक है नेक्स्ट, व्हाई वाज सन सॉन होल एट इंटरवल्स, ठीक है तो सही आंसर होगा इसका बिकॉज इट वाज ए क्लाउडी डे। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ट्रीज, कि ट्रीज पोएम में जो है किस प्रकार के दिन को बताया गया है, सही आंसर है समर डेज के बारे में। ठीक है नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ट्रीज, कि ये जो पोएम है ट्रीज इसका क्या थीम है, सही आंसर है ब्यूटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट, विच प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द पोएम ट्रीज टू रेफर द सन, कि कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फ्रेज हंड्रेड फ्लैग्स रेफर टू फ्रॉम द पोएम ट्रीज, कि ये फ्रेज का मतलब क्या चीज़ है, हंड्रेड फ्लैग्स, ठीक है इसका मतलब ये है बोथ टू एंड थ्री, यानी फ्लैग्स दैट आर होस्टेड, फ्लैग्स फ्लावर्स दैट आर नॉट येट ब्लूम। ठीक है नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द पोएम ट्रीज, कि ये जो पोएम ट्रीज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया, इमेजरी। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन, हु रॉट द पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, ये जो पोएम है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल को किसने लिखा है, सही आंसर होगा इसका WB Yeats। ठीक है नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्वान्स डिड द पोइट काउंट, कि कितने स्वान्स कितने हंस की गिनती करते हैं पोइट, सही आंसर 59 स्वान के। ठीक है नेक्स्ट देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द पोइट काउंट द स्वान्स अगेन, कि कितने सालों बाद जो है पोइट फिर से स्वान की गिनती करते हैं, सही आंसर है 19 सालों बाद। ठीक है नेक्स्ट देखिए, वॉज पोइट सक्सेसफुल इन काउंटिंग ऑल द स्वान्स इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, कि क्या जो पॉइंट है पहले प्रयास में सभी स्वान की गिनती कर पाते हैं, सही आंसर होगा नहीं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट क्यूल, कि ये जो पोएम है इसका क्या थीम है, सही आंसर ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है नेक्स्ट, विच सीजन इज मैंशन इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट क्यूल, कि इस पोएम की शुरुआत में जो किस सीजन के बारे में बताया गया, सही आंसर है ऑटम सीजन। ठीक है नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो है आपका टाइम एंड टाइम अज्ञान के बारे में है। ठीक है ये किसके द्वारा लिखा गया, AK Ramanujan के द्वारा। ठीक है इसमें क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा हुआ है ऑथर कौन है, तो AK Ramanujan है। ठीक है नेक्स्ट, हु आर द डोनर्स ऑफ द क्लॉक टावर्स, कि ये जो है क्लॉक टावर्स के डोनर कौन है, सही आंसर है बोथ 1 and 2 पॉलिटिशियंस और रिलीजियस पीपल। ठीक है नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन व्हाट हैपेंस आफ्टर योर राइट गेट्स ओवर, कि ये जो पोएम है इसके अनुसार जो है क्या होता है जब राइट फिर से शुरू हो जाता है, ओवर हो जाता है, सही आंसर है या पीस मार्च लाइक या टाइम बॉम्ब। ठीक है नेक्स्ट, इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन पोइट वांट्स द रीडर्स टू लिसन टू द, ठीक है कि ये जो पोएम है टाइम एंड टाइम अगेन, ठीक है पोइट क्या चाहता है रीडर से कि वो क्या चीज़ सुने, तो क्लॉक टावर्स की बात सुने। ठीक है नेक्स्ट, हु इज़ द अटमोस्ट पावरफुल, कि सबसे अधिक
शक्तिशाली कौन है? सही आंसर होगा इसमें नन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए प्रिसाइज मीन्स, प्रिसाइज का मतलब हो गया एग्जैक्ट, ठीक है, तीक्ष्ण। अगला जो है वो आपका है ब्लड बाय कमला दास, ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका कमला दास, कि किसके द्वारा लिखा गया, तो कमला दास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ ओल्ड वॉज द पोइट्स ग्रैंड मदर इन द पोएम ब्लड, कि ये जो पोएम है ब्लड में, तो कमला दास की जो ग्रैंड मदर है वो कितने साल की है, तो सही आंसर होगा 86 यानी 86 वर्ष की, ठीक है। नेक्स्ट, इज द पोइट्स मदर डेड और अलाइव, पोइट्स की मदर बताइए वो मर गई या जीवित है, सही आंसर होगा मर गई है, डेड है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ब्लड, ठीक है, कि ये जो पोएम है ब्लड उसका क्या थीम है, सही आंसर होगा मेडिटेशन ऑन आइडेंटिटी कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है। आगे देख लीजिए फ्रीडम से, फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है, जी बी सॉ, ठीक है, सही आंसर होगा जी बी सॉ। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मैंशन इन द एसे, कि किस प्रकार का जो है स्लेवरी मैंशन किया गया इस पोएम में, फ्रीडम या ये ऐसे है, ठीक है, फ्रीडम क्या है ऐसे है, सही आंसर होगा बोथ वन एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु वन फ्रीडम फॉर अस, कि हमारे लिए फ्रीडम कौन जीते हैं, ठीक है, तो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नेचुरल स्लेवरी, नेचुरल स्लेवरी का मतलब क्या हो गया, मैन टू नेचर जो है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल स्लेवरी। नेक्स्ट, हु ऑल आर फुल्ड इन द नेम ऑफ फ्रीडम, कि किसे जो है स्वतंत्रता के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों को, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज कनंड्रम, कि कनंड्रम का मतलब क्या चीज़ है, ठीक है, सही आंसर होगा कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस इफ ए मैन सडनली कम्स इनटू ए फॉर्च्यून, कि क्या होता है जब एक आदमी जो है अचानक उसको भाई की हो जाती है, ठीक है, सही आंसर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ओल्ड इंग्लिश नेम ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम का जो है ओल्ड इंग्लिश नेम क्या है, सही आंसर होगा आपका लीसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन ह्यूमन वर गिवन राइट टू वोट इन इंग्लैंड, कि क्या हुआ जब औरतों को जो है इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार दिया गया, सही आंसर है दे डिड नॉट वोट फॉर द ह्यूमन कैंडिडेट, ठीक है। व्हाट आर नेचुरल जॉब्स, नेचुरल जॉब्स का मतलब क्या है, ठीक है, नेचुरल जॉब्स का मतलब है सब चीज़ें, सब ईटिंग स्लीपिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेजेस स्पोर्ट, वेजेस स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, सही ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि संस्था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्टैब्लिश किए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वेसेस बोर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फॉट, कि ये जो वाटरलू का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो आप लोगों को पता होगा 1815 में, ठीक है। आगे देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ नॉन फिक्शन फ्रीडम, फ्रीडम को किसने लिखा है, तो सही आंसर होगा जी बी सॉ, ठीक है। अगला, व्हाट इज द राइट एज ऑफ वोटिंग, कि मतदान का सही अधिकार सही उम्र क्या है, सही आंसर है 18 ईयर्स, ठीक है। अगला देख लीजिए, व्हाट राइट्स डज द वोट प्रोवाइड टू अस, कि कौन सा अधिकार हमें प्रोवाइड करता है, सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज रियल फ्रीडम, सही स्वतंत्रता, जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो क्या चीज़ है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दिस, टू थिंक फ्रीली डिस्कवर न्यू डिसिप्लिन एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, तो ये सब है। अगला क्वेश्चन, द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन इज, ठीक है, जो स्लेवरी है मैन टू मैन उसको हम लोग किस प्रकार की स्लेवरी बोलते हैं, हार्टफुल टू बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। अगला है, हु हैज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू जी बी सॉ, ठीक है, कि किसे जो है स्वतंत्रता है, सही आंसर है स्लेव्स को एक तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन इज द लाइन पुट मनी इन द पर्स टेकन, कि किस लेसन से जो है ये वाक्य लिया गया है पुट मनी इन द पर्स, ठीक है, सही आंसर है फ्रीडम से, ठीक है। अब हाँ जो है आपका है वो द मार्क ऑन द वॉल, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कि किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोगों को पता चल गया वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द मार्क सिम्बलाइज, कि ये जो मार्क है वो क्या सिम्बलाइज करता है, सही आंसर है बोथ वन एंड टू, वॉर लाइक और गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मैसेज ऑफ द मार्क ऑन द वॉल, कि इसका क्या मैसेज है इस ऐसे का, ठीक है, सही आंसर ऑल ऑफ दिस, रिलीजन के बारे में, चेंज के बारे में अनसर्टेनिटी बताता है, ठीक है। आगे देखिए, इन द ऐसे द मार्क ऑन द वॉल, व्हाट वॉज द मार्क ऑन द वॉल इन रियलिटी, कि ये जो पोएम है द मार्क ऑन द वॉल, ठीक है, सॉरी ऐसे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो मार्क है वो एक्चुअली में क्या चीज़ है, तो अ सेल है। क्या चीज़ है? अ सेल, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज टेलिंग द स्टोरी द मार्क ऑन द वॉल, ये जो ऐसे है स्टोरी जो है वो कि कौन कह रहे हैं, सही आंसर होगा नरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म मेकिंग से है, ठीक है, और ये किसके द्वारा है, इंगमर बर्समैन के द्वारा, ठीक है, सही आंसर। तो फिल्म मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया, इंगमर बर्समैन के द्वारा, ठीक है। अगला, इंगमर बर्समैन वॉज या फेमस, तो ये जो है इंगमर बर्मैन बर्समैन वो क्या है, एक प्रसिद्ध स्वीडिश डायरेक्टर है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट सम वन स्पॉट्स फ्लाइंग ओवर देयर हेड, ठीक है, सही आंसर होगा इसका अ क्रेन फ्लाइंग, कि क्या जो है उसके ऊपर से उड़ रहा था, तो एक क्रेन उड़ रहा था, ठीक है। आगे देखिए, बसमैन टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एज द सन ऑफ यर, ठीक है, कि बसमैन जो है अपने बचपन में किस तरह से बोलते थे कि वह किसका बेटा है, सही आंसर होगा एक क्लर्सी मैन का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन बसमैन वॉज 10 व्हाट डिड ही रिसीव, कि जब बसमैन जो है 10 वर्ष का हुआ तो उसे क्या चीज़ मिला, सही आंसर है अब प्रोजेक्टर मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, एज ए चाइल्ड बसमैन यूज टू हियर, कि जब बसमैन बच्चा था तो वह क्या सुना करता था, सही आंसर है पियानो, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, पियानो। नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड वॉज इंजमो बसमैन वैन ही रिसीव्ड या फिल्म प्रोजेक्टर, कि जिस समय जो है बसमैन एक फिल्म प्रोजेक्टर रिसीव किए हुए थे उस टाइम उसकी उम्र कितनी थी, तो 10 साल, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आगे, हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन टीचिंग बाय इंस्मा बर्समैन फिल्म मेकिंग फ्रॉम स्क्रेच, ठीक है, शुरुआत से जो है कौन सिखा रहे थे इंस्मा बर्समैन को, ठीक है, इंगमर बर्समैन को फिल्म प्रोजेक्टर के द्वारा, ठीक है, से आंसर है लॉरेंस मार्मस्टेड, ठीक है। आगे देख लीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ वाई द नॉवेल मैटर, ये जो नॉवेल है वाई द नॉवेल मैटर, इसके ऑथर का नाम क्या है, सही आंसर है डी एस लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अवर बॉडी अलाइव इज ए कम्प्लीट थिंग इन इट सेल्फ, दैट्स वॉट यू लर्न वैन यू आर अ, ठीक है, वैन यू आर ए, सही आंसर होगा नॉवेलिस्ट, अवर बॉडी अलाइव, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा नॉवेलिस्ट, ठीक है। अगला देखिए, इफ़ ए पर्सन इज ए फिलोसफर ही ओनली टॉक्स अबाउट, कि एक पर्सन जो है मात्र अगर एक फिलोसफर है तो वह किसके बारे में बात करेगा, इन्फिनिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है। अगला, वॉट डू यू मीन बाय मैंस शाना इन कारपोर सैनो, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ठीक है। मैन शाना इन कॉप सैनो का मतलब क्या हो गया, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, कि एक जो है हेल्दी माइंड कहाँ रहता है, एक स्वस्थ बॉडी में रहता है, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ बॉडी में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट डज द मेटाफोर द बोटल ऑफ वाइन रिप्रेजेंट, कि ये जो है द बोटल ऑफ वाइन, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सही आंसर होगा बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट, इन वॉट सेंस इज द बाइबल ए ग्रेट नॉवेल, कि किस सेंस से जो है बाइबल एक ग्रेट नॉवेल है, सही आंसर होगा इट इज़ द बुक ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे, पीपल कंसिडर देयर बॉडी एज, कि पीपल जो है लोग अपने बॉडी को किस तरह से कंसिडर करते हैं, सभी आंसर है जिसका सही आंसर हो जाएगा या टीन या बोटल या वेसल, सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। इफ़ ए पर्सन इज य पर्सन ही ओनली टॉक्स अबाउट, कि एक व्यक्ति जो है पर्सन है तो वह किसके बारे में बात करेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सॉल्स इन हेवन अलाइव पर्सन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट फ्लाई आउट ऑफ पर्सन, ठीक है, कि कौन सा वस्तुएं जो है वो व्यक्ति के दिमाग से उड़ जाती है, एज टर्मुलेशंस इन द एथर, ठीक है, सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए, ये जो है आपका द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन से है, ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, अमर्त्य सेन किसके द्वारा लिखा गया, अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला है, हु इज नोन एज आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, कि किसे जो है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो गया अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, हु ट्रांसलेटेड द गीता इन टू इंग्लिश, कि गीता को जो है इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किए हुए थे, सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर एसरवुड, ठीक है। आगे देखिए, When was the argumentative Indian written, कि ये जो है the argumentative Indian वो कब लिखा गया, सही आंसर होगा हो जाएगा इसका 2005, ठीक है। आगे देखिए, How many times in the महाभारता longer than the Iliad
एंड ओडिसी पुट टुगेदर, कि महाभारत में जो है कितने बार जो है इलियड और ओडिसी को साथ रखा गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 7 बार। ठीक है, महाभारत में 7 बार। ठीक है, आगे देखिए, ऑन साइंस फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया, आइज़क आसिमोव के द्वारा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑन साइंस फिक्शन, कि इसके ऑथर का नाम क्या है। सही आंसर है आइज़क आसिमोव। ठीक है, अगला, साइंस फिक्शन में कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, कि साइंस फिक्शन जो है इनमें से एक को छोड़कर सब चीज़ धारण करता है, तो क्या चीज़ सही हो जाएगा, किसको धारण नहीं करता है, विजर्ड्स। ठीक है, अगला देखिए, हु डिड द वर्क ऑफ ए साइंटिस्ट इन द प्री साइंटिफिक टाइम्स, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए, वेन डिड द साइंस फिक्शन कैम इन टू एग्जिस्टेंस, कि ये जो साइंस फिक्शन है कब अस्तित्व में आया। सही आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेंचुरीज, पिछले 200 सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट, जेनरी दैट मे कंटेन टॉकिंग एनिमल्स, ठीक है, वो क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका साइंस फिक्शन, कि जेनर जो है वो जानवरों के बारे में बातचीत करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, साइंस फिक्शन। ठीक है, अब चंडालिका है, चंडालिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया। आगे देखिए, इसमें द प्ले चंडालिका इज बेस्ड ऑन द फेमस बुद्धिस्ट लेजेंड्स ऑफ बुद्धास डिसिपल नेम्ड, कि ये जो चंडालिका है वो बुद्धिस्ट के जो है बुद्धा का एक शिष्य है उसके बारे में है, तो उसका शिष्य कौन है, आनंदा। ठीक है, आगे देखिए, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम हिज विजिट हु गेव वाटर टू आनंदा, कि जब वो वापस आ रहा था तो आनंदा को पानी कौन दिए हुए थे। सही आंसर है प्रकृति ने, कौन, प्रकृति ने। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम विच लोवेस्ट कास्ट डिड प्रकृति बिलोंग, कि प्रकृति जो है किस निम्न जाति से बिलोंग करती है, तो सही आंसर है चंडालियन। ठीक है, चंडालियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड टू द मॉन्क व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, कि सन्यासी को क्या हुआ था जब वह पानी पी रहा था। सही आंसर है प्रकृति फेल इन लव, तो प्रकृति उससे उसे प्यार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट पार्टिकुलर एक्टिविटी डिड द फैमिली ऑफ प्रकृति इन्वॉल्व इन, ठीक है, कि प्रकृति के जो फैमिली थे वो क्या काम करते थे। सही आंसर है स्पेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज द रियल रीजन फॉर अप्रोचिंग हिम एट द डोर स्टेप ऑफ प्रकृति, तो रियल रीजन क्या चीज था कि उसको डोर स्टेप में ही रोक लिया। सही आंसर हो जाएगा ड्यू द इफेक्ट ऑफ द मैजिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉट योर बिग चेंज कैम इन टू आनंदा आफ्टर अप्रोचिंग एट द गेट ऑफ प्रकृति, कि आनंदा में कौन सा परिवर्तन आया था। ठीक है, सही आंसर ही फेल्ट हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आगे देखिए, आफ्टर फीलिंग हिज मिस्टेक हुम डिड आनंदा रिमेंबर, ठीक है, जब आनंदा को जो है गलती का मिस्टेक मतलब जो है गलती का एहसास हो गया तब वह किसे याद करता है। सही आंसर है बुद्धा को, ठीक है, भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट देखिए, बाय विच स्पेशल पावर ऑफ बुद्धा वी कैम टू नो, ठीक है, बुद्धा की किस स्पेशल पावर को हम लोग जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साइकिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सोशल सेटअप डिड टैगोर वांट टू कन्वे टू द रीडर्स, कि किस प्रकार की जो है सोशल सेटअप के बारे में टैगोर हम लोगों को बताना चाहते हैं, रीडर्स को बताना चाहते हैं। सही आंसर है बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आगे देखिए, बाय दिस ड्रामा टैगोर वांट्स टू पुट बिफोर अस एज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, कि इस ड्रामा के द्वारा जो है टैगोर हमें जो एक स्पिरिचुअल सिद्धांत रखते हैं लॉर्ड बुद्धा के लिए। कौन सा स्पिरिचुअल सिद्धांत, जो है लव एंड सर्विस के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, यह बिग रेवलेशन वॉज क्रिएटेड इन प्रकृति, वॉट वॉज दैट, कि प्रकृति के अंदर जो है एक बिग रेवलेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो वो क्या चीज़ था, तो इमेज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, समानता का इमेज। ठीक है ना, आगे देखिए, व्हाट वाज द करेक्टरिस्टिक ऑफ आनंदास हार्ट विच ही रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कमिंग विद द कॉन्टैक्ट विद प्रकृति, कि आनंदा के दिल में जो है क्या चीज़ परिवर्तन हुआ, ठीक है, जब वह प्रकृति से मिला। सही आंसर हो जाएगा इनर सेल्फ। ठीक है, आगे देखिए, द ड्रामेटिस्ट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट रिलीजन कैन प्ले अ रोल इन क्रिएटिंग इम्प्रूवमेंट, तो सही हो जाएगा टोटल। आगे देखिए, प्रकृति इज अंडर
इन्फ्लुएंस ऑफ एन इमोशन आफ्टर सी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हर मिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रकृति जो है अपने मिशन में कामयाब नहीं होती तो उसे क्या होना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, हु कास्टेड या स्पेल ऑन आनंदा। ठीक है, कि आनंद पे जादू कौन कर देता है, तो प्रकृति की मदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इवोक्ड टू कास्ट या स्पेल ऑन आनंदा, कि आनंद पे जो है, आनंद पे जो है वो मंत्र उच्चारण करने के लिए कौन भड़काती है, तो सही आंसर है प्रकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज चंडालिका, चंडालिका कौन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू, प्रोटागोनिस्ट और अनटचेबल। ठीक है, आगे देखिए, आनंदा वॉज डिसिपल ऑफ, क्या आनंदा किसका शिष्य था, सही आंसर है बुद्धा का। ठीक है, नेक्स्ट, डैश बिलोंग टू द लोएस्ट अनटचेबल कास्ट, कि लोएस्ट अनटचेबल कास्ट से कौन बिलोंग करती है, प्रकृति। ठीक है, अगला, व्हाट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा, इस ड्रामा का जो सेंट्रल कैरेक्टर है कौन है, प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द प्ले चंडालिका, कि चंडालिका का मेजर थीम क्या चीज़ है, तो नेचर है। ठीक है, आगे देखिए, हु वॉज अट्रैक्टेड टू आनंदा, ठीक है, आनंदा की ओर कौन आकर्षित होती है, प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन विच लेजेंड इज द ड्रामा चंडालिका बेस्ट, कि ये जो ड्रामा है चंडालिका की किस लेजेंड पे बेस्ट है, तो बुद्धिस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकृति मेट आनंदा एट, कहाँ पे मिली हुई थी प्रकृति आनंदा से, सही आंसर है कुआं के पास, कहाँ पे, कुआं के पास। ठीक है, आगे देखिए, वॉट डज द प्ले चंडालिका फोकस ऑन, कि ये जो प्ले है चंडालिका वो किस पे फोकस करता है, ठीक है, कास्टिसिज्म पे। ठीक है, जातिवाद पे, किस पे, जातिवाद पे। ठीक है, अगला देखिए, हु इज द चंडालिका इन द प्ले, इस पोएम में जो है चंडालिका कौन है, सही आंसर हो जाए प्रकृति। ठीक है, अगला देखिए, द फर्स्ट एक्ट ऑफ चंडालिका बिगिंस विद डैश ऑफ मदर एंड प्रकृति। ठीक है, कि पहला जो एक्ट है चंडालिका का वो किससे शुरू होता है, उसकी मदर और प्रकृति के बीच जो है बातचीत से, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, बातचीत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच मंथ इज मैंसन इन द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले चंडालिका, कि चंडालिका के सेकेंड एक्ट में जो है वो कौन से महीने के बारे में बताया गया, तो आषाढ़ महीने के बारे में। आगे देखिए, प्रकृति बिलोंग टू एरिया एंड डैश कास्ट, की तो प्रकृति किससे बिलोंग करती है, या लोअर कास्ट से। ठीक है, अब आगे जो है आपका वो किससे है, ब्रोकन इमेजेस से है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ब्रोकन इमेजेस, तो गिरीश कर्नाड के द्वारा। ठीक है, देख लीजिए, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन है इसके ऑथर, तो गिरीश कर्नाड है। ठीक है, आगे देखिए, हु वॉज मालरी इन ब्रोकन इमेजेस, कि इसमें जो है ब्रोकन इमेजेस में मालिनी कौन है, सही आंसर है मंजुलाज सिस्टर। ठीक है, कौन हो जाएगा, मंजुलाज सिस्टर। आगे देखिए, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेजेस, ये जो ब्रोकन इमेजेस है इसका मेन कैरेक्टर कौन है, सही आंसर है मंजुला। अगला, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ब्रोकन इमेजेस, कि ब्रोकन इमेजेस का थीम क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजिकल इशूज है, द राइवलरी बिटवीन सिबलिंग्स। ठीक है, आगे, इन विच लैंग्वेज लैंग्वेजेस डज मंजुला राइट, कि मंजुला जो है किस भाषा में लिख सकती थी, लिखती है। ठीक है, सही आंसर है कन्नड़ा। आगे, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ प्लेस कॉल्ड, ठीक है, कि प्लेस के पास को हम लोग क्या बोलते हैं, सही आंसर है बोथ वन एंड टू, सीन और एक्ट्स। ठीक है, कि किसी भी ड्रामा जो होता है उसको हम लोग किस में बांटते हैं, तो दृश्य और एक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, द इमेज इज एक्चुअली, ये जो इमेज है वास्तव में क्या चीज़ है, मंजुलाज कंसाइंस है। ठीक है, आगे देखिए, प्रमोस वर्कड एज, कि ये जो प्रमोस है किस रूप में काम करता था, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ये। ठीक है ना, आगे देखिए, द प्ले ब्रोकन इमेजेस डील्स विद या, ठीक है, कि ये जो ब्रोकन इमेजेस है, ठीक है, वो किस औरत के बारे में बताती है, तो कन्नड़ वुमेन के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डिड प्रमोद, ठीक है, यहाँ पे प्रमोद होना है, प्रमोस नहीं, प्रमोद, हाउ डिड प्रमोद कन्वे हिज फीलिंग, कि प्रमोद जो है अपने फीलिंग्स को किस प्रकार से बयां करता है, सही आंसर है बाय राइटिंग या लेटर, पत्र लिख करके। ठीक है, और ये जो है आपका द फाइनेंशियल एक्सपर्ट से है। ठीक है, फिक्शन फिक्शन नॉवेल से। तो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज मार्गया मीन, कि मार्गया का मतलब क्या चीज़ है, सही आंसर हो जाएगा द वन हु शोड द वे। आगे देखिए, व्हाट इज द टाइटल दैट डॉक्टर पल वांट्स टू गिव हिज बुक ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, कि कौन सा टाइटल जो है डॉक्टर पल जो है देना चाहता है, ठीक है, सोशियोलॉजी के बारे में, सही आंसर है बेड लाइफ। आगे देखिए, व्हाट ऑब्जेक्ट डस माग्या गो टू फाइंड फॉर हिज श्राइन, ठीक है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है पाती है, जब वह कहाँ जाती है, श्राइन, श्राइन का मतलब हुआ टेम्पल। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अ रेड लोटस, ठीक है, एक लाल कमल पाती है ना, कमल फूल।
अगला, व्हाट डज मागिया डू एवरी नाइट व्हेन ही इज होम फ्रॉम द ऑफिस, कि मागिया जो है जब अपने घर से ऑफिस में रहती है, दूर रहती है, ठीक है, तो वह पूरी रात क्या करते हैं? सही आंसर है ही टेक्स ए बाथ, तो वह स्नान करता है, ठीक है, क्या करता है वह? स्नान करता है। आगे देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज डस मागिया प्रे, कि कितने दिन तक जो है मागिया प्रार्थना करता है? सही आंसर है 40, ठीक है। आगे, द प्रियस टेल्स मागिया टू प्रे टू वॉट गॉड और गॉडेस, कि पुजारी जो है मागिया से किस भगवान की पूजा करने के बारे में बोलते हैं? सही आंसर है लक्ष्मी, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। आगे देखिए, विथ हुम हैज बालू बिगन स्पेंडिंग मोर टाइम, कि किसके साथ जो है ये जो बालू है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, ठीक है, सही आंसर डॉक्टर पल के साथ, ठीक है। अगला देखिए, हु एल्स इज इन द कार विद बालू, कि बालू के अतिरिक्त जो है कार में कौन था? टू सो गर्ल्स, ठीक है, टू सो गर्ल्स थे। आगे देखिए, वेन मागिया अराइव्स इन मद्रास वेयर डज ही इवेंचुअली फाइंड बालू, कि मागिया जो है जब मद्रास पहुँचता है, ठीक है, तो वह बालू को एक्चुअली में कहाँ पाता है आखिरकार, ठीक है, तो वॉकिंग इन ए थिएटर, कहाँ पे? एक सिनेमा में काम कर रहा होता है वो बालू, ठीक है। आगे देखिए, हु हेल्प्ड मागिया टू फाइंड बालू इन मद्रास, कि कौन जो है मागिया को हेल्प करता है बालू को मद्रास में पाने के लिए, ठीक है, सही आंसर है पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, एक पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। आगे देखिए, वाई डस मागिया गो टू सी द प्रियस्ट, कि मागिया जो है पुजारी को देखने क्यों जाता है? सही आंसर है ही वॉन्ट्स टू एक्वायर वेल्थ, ठीक है। आगे देखिए, हु कम्स टू विजिट मागिया वाइल ही इज वर्किंग अंडर द बनियान ट्री, ठीक है, हु कम्स टू विजिट, कि मागिया से मिलने कौन आता है जब वह जो है एक बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे काम कर रहा होता है, ठीक है, सही आंसर है अरुल दास, ठीक है, कौन हो जाएगा? अरुल दास, ठीक है। आगे देखिए, वेन बालू रिटर्न होम फ्रॉम मद्रास व्हाट डस मागिया डिसाइड टू डू, कि जब बालू जो है मद्रास से वापस आ जाता है तो मागिया क्या करने का निर्णय लेता है? सही आंसर है फाइंड हिम या वाइफ, उसे एक पत्नी खोज देता है ना। आगे देखिए, व्हाट वॉज द नेम ऑफ बालूस मदर, कि बालू की माँ का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा मीनाक्षी, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट वॉज द नेम ऑफ बालूस वाइफ, कि बालू की पत्नी का नाम क्या है? वृंदा, ठीक है, बालू की पत्नी का नाम क्या है? वृंदा, और माँ का नाम क्या चीज़ हो गया? तो मीनाक्षी, याद रखिएगा। और ये जो है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डस मागिया बिगिन हिज करियर, कि मांगिया जो है अपने करियर की शुरुआत कैसे करी थी? सही आंसर है एज पैटी मनी लेंडर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ डॉक्टर पाल इन मागियाज लाइफ, कि डॉक्टर पाल का जो है मागिया की लाइफ में क्या योगदान था? सही आंसर है हेल्पर और एक डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच जो है टोटल टॉप 300 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख करके ज़रूर जाएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अभी हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।